सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठकों का व्याकरण महाभाष्यम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। आज मित्रों हम व्याकरण महाभाष्य की 16वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। आइएगा, और यदि आपको कोई अधिक जानकारी लेनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पिछली कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ के आइएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवाहन्निकम, उस कॉलम में सभी कक्षाएं आपको क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी। तो मित्रों गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक ये उत्तत्वाह ये प्रयोजन आपको पढ़ा दिया था। आज की कक्षा में हम ये प्रयोजन सत्वमेव ये प्रयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये गत कक्षा का था कि जैसे एक पत्नी एक स्त्री अपने पति के लिए अपने शरीर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है, उसी प्रकार से वाणी भी अपने पूरे स्वरूप को विद्वान के लिए ही समर्पित करती है, अर्थात उसी को प्रकट होती है। इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, ये बताया था। आइएगा आगे कहते हैं सत्वमेव, ये भी ऋग्वेद का एक मंत्र लिया है इन्होंने, सत्वमेव। ठीक है, ऋग्वेद 10:71-2 मान 10वें मंडल के 71वें सूक्त का दूसरा मंत्र है ये। ठीक है, चलिए मंत्र पाठ कर लेते हैं पहले। सत्वमेव तेतौ नापुनन्तो यात्रा धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः वक्ष्यानि जानते भाद्रैषां लक्ष्मीरनिहिताधिवाची। कहते हैं कि ये मंत्र कहता है इसलिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। क्या कहता है आइएगा, इसका अर्थ बताते हैं महाभाष्यकार के, इस मंत्र का अर्थ क्या है उन्हीं के शब्दों में इसको देखते हैं। कहते हैं कि सक्तु हु, सक्तु होता है सत्तु, सत्तु मार्केट में अब भी मिलता है, पहले गांव में सब लोग घर पर ही बनाते थे सत्तु। ठीक है, सत्तु अर्थात उसको भून करके, जौ है चने हैं गेहूं है उनको भून करके और फिर उसको पीस करके आटा बना करके फिर उसको पानी डाल करके या नमक या चीनी डाल करके उसको खाते हैं, तो वो सत्तु है, वो उसका संस्कृत में शब्द है सक्तु। ठीक है, सक्तु, सक्तु माने सत्तु, सभी लोग जानते हैं, आप गांव देहात के शहर में भी सत्तु बिकता है, दुकानों पे पैकेट में बिकता है 20-20 रुपए की, थोड़ा थोड़ा मिलता है। ठीक है, पर लोग आजकल कम खाते हैं उसको, है तो वो बहुत पौष्टिक, तो उससे उपमा दे करके बता रहे हैं कि मंत्र में उपमा दे करके व्याकरण को पढ़ने की महत्ता बताइए। कहते हैं जो सक्तु हु, मंत्र में जो सक्तु शब्द है, कहते हैं वो सचतीर माने सच समवाय धातु से बनता है। क्या है, सच समवाय धातु से बनता है। ठीक है, अर्थात सच समवाय धातु से क्या बनता है, सक्तु शब्द। ठीक है, और कहते हैं क्योंकि दुर्धावो भवति, क्योंकि जो सत्तु होता है प्राचीन काल का जो सत्तु होता है उसमें क्या होता था कि जो जौ और उसके चने के छिलके होते हैं वो भूनने के बाद पीसने के बाद उसमें मिल जाते हैं, उनको अलग निकालना बहुत कठिन काम है। क्या है,
उनको अलग निकालना कठिन काम है। इस कारण से कहते हैं कि सच समवाय धातु से बना हुआ है सक्तु शब्द, और उसको सक्तु को सक्तु क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो सच समवाय धातु से बना है, अर्थात तो छिलके और जो उसका अंदर का गूदा होता है वो पिस करके मिल जाता है, उसको अलग निकालना कठिन होता है। तो वही कहा आगे दुर्धावो भवति, माने उसको साफ करना, शोधन करना, अलग अलग करना, उसको छिलके निकालना थोड़ा हाथ से कठिन होता है। क्या है, हाथ से कठिन होता है, निकाल तो देते हैं पर हाथ से नहीं निकल सकता, बिन बिन करके उसको नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सत्तु को सत्तु कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर हमें ऐसी क्रियाएं दिखती हैं, ऐसी बातें दिखती हैं कि वो, इस कारण से उसको सत्तु कहना पड़ता है। ठीक है, कहते हैं कि अथवा ऐसा मान लीजिएगा, ये भैया भाष्यकार प्राचीन जो वैयाकरण होते थे उनकी शैली है, निरुक्त में भी ऐसी शैली है। ठीक है, एक शब्द की सिद्धि करते हैं तो उसको ऐसे दिखाते हैं, व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं। अथवा ऐसा मान लीजिएगा कासतेर वा विपरीतात् विकसितो भवति। ठीक है, अथवा ऐसा मान सकते हैं कि जो कस विकसने धातु है, कस विकसने, विकसन का अर्थ होता है खिलना, क्या अर्थ होता है बोलो, खिलना। तो कहते हैं कि जो कस धातु है उसको वा माने अथवा ऐसा मान लेते हैं कि कस धातु से बना हुआ है सक्तु शब्द, और कहते हैं विपरीतात्, जो कस धातु है ये कस ऐसी, ठीक है, इसको विपरीत कर दिया, क्या कर दिया, ये सा यहां पहले ले आए, ठीक है, फिर अको ले आए और ये का बाद में कर दिया, ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया, पीछे वाले अक्षर को आगे ला करके और आगे वाले को पीछे ले गए। तो विपरीतात्म ने ऐसे ही है, शक बन गया और फिर तू प्रत्यय हो जाता, तुम प्रत्यय हो जाता इससे। ठीक है, तो ये सत्तु ऐसे बन जाता है, क्योंकि जो सत्तु होता है कहते हैं उसको जब भूनते हैं, जब सत्तु के जो दाने होते हैं पीसने से पहले जब भूनते हैं तो वो क्या खिल जाते हैं, ऐसा फूल जाते हैं, जैसे खीर बन जाती है वैसे वो बन जाते हैं, खिल जाते हैं। तो इसलिए भी सत्तु सक्तु को सक्तु कहते हैं। ये दो तो व्युत्पत्ति दिखा दी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो विकसित हो भवती है इसलिए उसको सक्तु बोलते हैं। कहते हैं कि जो सत्तु है सक्तुम मिव, अब देखिएगा मंत्र में भी आप देखते जाइएगा, यहां पर क्या कहा, सक्तुम इव सत्तु के समान उपमा दे रहे हैं, कि जैसे सत्तु को तितौना पुनंतः, तितौना माने सत्तु को साफ करना होता है, तो तितौना, तितौ तितौ अर्थ होता है छलनी, छालनी जो आटे को छानने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, तिताऊ संस्कृत में, क्या तिताऊ, तो तिताऊ ना माने छलनी से उसको साफ करते हैं, उसके छिलके निकालने हैं पिसे हुए सत्तुओं के, तो उसको छलनी से साफ कर चला करके साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी के समान उपमा दे रहे हैं। तो यहां पर पहले तो सत्तु को समझ आया, कहते हैं तिताऊ, अब कह रहे हैं तिताऊ माने छलनी को, तितऊ को क्यों कहते हैं, तो कहते हैं तिताऊ पारिपावानम भावती, तो छलनी होती है वो कोई भी चीज को अच्छी प्रकार से शुद्ध करने वाली होती है, साफ कर देती है, कूड़ा करकट वो ऊपर रह जाता है और ठीक ठीक चीज नीचे निकल जाती है। ठीक है, अथवा कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक चीज ऊपर रह जाती है और खराब चीज नीचे निकल जाती है, दोनों प्रकार से होता है। जब हम आटा छानते हैं तो आटे में क्या है, अच्छी चीज तो नीचे निकल जाती है और जो भूसी होती है वो ऊपर रह जाती है, और जब हम गेहूं छानते हैं, गेहूं साफ करने हो तो गेहूं साफ करते हैं तो क्या है, नीचे घुन आदि है, छोटी छोटी मिट्टी के कण आदि है वो नीचे निकल जाते हैं और गेहूं छलनी में रह जाता है।
तो दोनों प्रकार से वो काम करती है, अर्थात किसी भी पदार्थ को वो क्या करती है, पारिपावनम, अच्छी प्रकार से साफ करने वाली होती है वो, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं, तितऊ बोलते हैं। पारिपावनम भवति, तितऊ को परिपवनम भी बोलते हैं, ठीक है। पारिपावनम माने इसका ये दूसरा नाम है, पर्यायवाची कह सकते हैं, क्योंकि पारिपावनम का अर्थ होता है सब तरफ से शुद्ध करने वाला, ठीक है। अब कहते हैं कि तितऊ कैसे बना, कहते हैं ततवद्वा तुन्नवद्वा, दो धातुओं से यहां पर व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है पर जो लोग इसको व्याकरण को थोड़ा नहीं जानते उनको आनंद नहीं आएगा, वो कहेंगे ये क्या बता रहे, ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं। विज्ञान का विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान का विद्यार्थी इसी क्रम से सफल होता है। आविष्कार का निर्माण, जो आविष्कार होते हैं, आविष्कार करने के लिए इसी पद्धति का अनुकरण हमें करना पड़ता है। तो ये एक आविष्कार माने हमें आविष्कारक बनाने की प्रक्रिया है, इसको समझना है, ठीक है। ये केवल ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ, तो कहते हैं कि जो तितऊ को, ये तितऊ बना कैसे, कहते हैं ततवद्वा, ये तनु धातु से बना है, तनु विस्तारे धातु है तनादिगण में। तो क्या है, कहते हैं ये विस्तार होता है, अर्थात फैली हुई होती है छलनी, मतलब गोल गोल बड़ी बड़ी होती है छलनी, ये फैली हुई होती है, इसका विस्तार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं तितऊ। तो कहते हैं ततवद्वा माने तनु धातु से ये विस्तार के समान, मन वो तनु माने तनु विस्तारे धातु है, उससे ये बनी हुई है। अथवा कहते हैं तुन्नवद्वा, तुन्नवद का अर्थ है कि जो तुन धातु है, ठीक है, एक धातु क्या है, तुन धातु है, तुद तुद व्यथने, ठीक है, क्या धातु है, तुद व्यथने। तो व्यथन का अर्थ होता है, वैसे तो पीड़ा होता है, परंतु व्यथन का अर्थ छिद्र भी होता है, क्या होता है, छिद्र। तो इसमें छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र, छिद्र होते हैं, इसलिए ये तुद धातु से भी बन सकता है। एक तो फैली हुई होती है, इस कारण से इसको तितऊ बोलते हैं, अथवा इसके अंदर छिद्र होते हैं, इसलिए इसको तितऊ बोलते हैं। ये तो इसके नाम को बता दिया, छलनी का नाम, ध्यान रख लीजिए। अब इसको कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सत्तु को तितऊना से, छलनी से साफ किया जाता है और अच्छा अच्छा ले लिया जाता है, वैसे ही उपमा दे रहे हैं, धीरा ध्यानवंतो मनसा प्रज्ञानेन वाचमकृत, अर्थात वाचमकृषत। यहां पर वहां पंक्ति देखते रहिएगा, ठीक है, आपके पास पुस्तक होगी तो यहां पर क्या लिखा कि धीराः पुनन्ताः यता यत्र धीराः पुनन्ताः मनसा वाचमकृत। इसका अर्थ ये है कि जो धीरवान लोग होते हैं, जो विचारवान लोग होते हैं, जो वैयाकरण होते हैं, वो यत्र यत्र माने शब्द के विषय में, माने स्फोट के विषय में, स्फोट माने शब्द रूपी ब्रह्म के विषय में क्या कहते हैं, पूर्ण मनसा मन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रज्ञान के द्वारा, प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा, पुनंतः माने साफ करते हुए, माने शुद्ध रूप से, वाचम वाणी को अकृत, अकृत माने प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, वाणी को अर्थात कोई भी जो शब्द है, वाणी है, उसको विचार पूर्वक उसका अर्थ निकाल लेते हैं, अर्थात शब्दों का अपशब्दों को प्रयोग नहीं करते, शब्दों को अच्छी प्रकार से जान करके प्रयोग करते हैं। जैसे छलनी से भूसा ऊपर को निकाल दिया जाता है, वैसे ही
जो धीर लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो भी क्या है, अपशब्दों को, अपशब्द भूषा है उनको, माने वाणी है, वाणी में शब्द भी आ सकता है, अपशब्द भी आ सकता है, तो क्या है, अपशब्दों को हटा करके, अपशब्दों का प्रयोग ना करके, वाचम मन सा पुनंता, माने शुद्ध व शब्दों का ही प्रयोग करते, ये अर्थ है इसका। ठीक है, चलिएगा इसको फिर देखते हैं यहां पर कैसे विस्तार से समझाया इन्होंने। वही कहा इन्होंने कि धीरा धीय ध्यानवंतो मनसा प्रज्ञानेन वाचम अकृत, अर्थात वाचम अकृषत। बहुत अच्छा, धीरा का अर्थ है ध्यानवंता, माने चिंतनशीला, चिंतन करने वाले लोग, ऐसे ही नहीं अक्कड़ बक्कड़ बोलने वाले कुछ भी मन में आ गया वही बोल दिया, ऐसे गुरुजी नहीं। ठीक है, धीरा माने ध्यान से, ध्यान पूर्वक कोई चीज को, शब्द का प्रयोग करना है तो, मनसा, मनसा का अर्थ प्रज्ञानेन, माने तर्क पूर्वक ज्ञान के साथ में, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, ये चिंतन करके तर्क से। कहते हैं वाचम माने वाणी को, अकृत तो वही वाचम, वाचम अकृषत माने अकृषत माने प्रयोग करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अर्थात वाणी में अपशब्दों को, कूड़ा रूपी जो अपशब्द है उनको हटा करके, छलनी से माने चिंतन रूपी, मनसा माने प्रज्ञान के द्वारा, अर्थात ज्ञान के द्वारा अपशब्दों को छोड़ देते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं वाणी में। ठीक, ये इसका अर्थ हो गया। आगे कहते हैं ऊपर, अत्र सखायः सख्यानि जानते। ठीक है, कहते हैं बहुत सुंदर है इसमें, देखिएगा यहां लिखा अत्र सखायः सख्यानि जानते, ये जो धीर लोग होते हैं ये एक तरह से शब्दों के मित्र होते हैं। क्या होते हैं? सखा होते हैं, शब्दों के मित्र होते हैं ये। ठीक है, तो कहते हैं अत्रा, अत्रा का या अत्रा लिखा हुआ है, अत्रा ये वेद के मंत्र में अत्र को अत्रा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, वैदिक शब्द है ये, लोक में प्रयोग नहीं हुआ। अत्र माने इस स्फोट रूपी शब्द में, यहां ध्यान दीजिएगा, स्फोट रूपी, स्फोट रूपी अर्थात स्फोट ब्रह्म रूपी शब्द में, कहते हैं जो सखाया हा, ये धीर लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वैयाकरण लोग होते हैं, वास्तव में वैयाकरणों की बात है। कौन से वैयाकरण? पक्के वैयाकरण, पक्के वैयाकरण, कच्चे नहीं, कोई बात पूछने पर ऊपर नीचे देखने वाले नहीं, झटीती उत्तर देने वाले। तो कहते हैं सखाया माने जो पक्के वैयाकरण है वो अत्र माने इस स्फोट रूपी शब्द में सख्यानी, सख्यानी माने उसके अर्थ रूपी संबंधों को जानते, माने जानते हैं, ये जानते हिंदी में भी अर्थ करते जानते, पर ये संस्कृत का है। ठीक है, जान धातु का, तो क्या जानते माने जानते हैं, अर्थात समझते हैं कि स्फोट के साथ में हम कैसे उसका संबंध होता है अर्थ का, शब्द का। ठीक है, तो अब देखिए इसी बात को पहले यहां समझ लेते हैं भाष्यकार के माध्यम से, फिर देखेंगे आगे। कहते हैं अत्र सखायः सख्यानि जानते, उसी का करें, अत्र माने अत्र, अत्र माने यहां इस स्फोट रूपी शब्द में, सखाया माने जो विद्वान मिित्र होते हैं, वैयाकरण संत होते हुए सखाया उस स्फोट रूपी शब्द के साथ में मित्रता का संबंध रखते हुए, करते हुए सख्यानी उसके संबंधों को, मित्रत्व को जानते ही माने सायुज्यानी जानते माने उसके साथ में संयुक्तता को जानते हैं। ठीक है,
किस शब्द के साथ में किस अर्थ का संबंध है, ये सारी चीजें वैयाकरण लोग जानते हैं। किसके माध्यम से जानते हैं? पहले बताया कि मनसा धीरा मनसा वाचमकृत, ठीक है, मकृत करता है, ठीक है। अब कहते हैं का क्वा, क्या प्रश्न कर दिया, क्वा मैंने कहां पर जानते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, क्वा कहां पर, कहते हैं या एषा दुर्ग, एषा दुर्गो मार्ग, कहते हैं। अब बात आ रही है, इस बात को समझ लेना, महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ऊंची बात लेवल की कही है। लोग सोचते हैं कि ये व्याकरण, व्याकरण नहीं है ये, वास्तव में ये भी समाधि की विद्या है, ये भी मुक्ति की विद्या है। ये इस व्याकरण के पढ़ते पढ़ते भी व्याकरण के दर्शन से मुक्त कराते हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्वा कहां पर संबंध समझते हैं, तो कहते हैं या एषा दुर्गः मार्गः, जो दुर्ग है मान कठिन है, कठिन रास्ता वाला मार्ग है, कौन सा है, तो कहते हैं एकागम्यः वाग विषयः, केवल एक के द्वारा ही जाना जा सकता है, वाणी के द्वारा, कौन, ब्रह्म, स्फोट रूपी शब्द ब्रह्म है वो, एकागम्यः अर्थात वाग विषयः, वाणी का विषय है वो, अर्थात अपशब्दों को छोड़ करके साधु शब्दों के प्रयोग से ही उस स्फोट रूपी ब्रह्म को जानते हैं पक्के वैयाकरण लोग। कहते हैं के पुनस्ते, मैंने अपने तरफ से पहले बताया कौन लोग जानते हैं उसको, स्फोट रूपी ब्रह्म को, शब्द को कौन लोग जानते हैं, कहते हैं के पुनस्ते, कौन जानते हैं वे, कहते हैं वैयाकरणा, वैयाकरण लोग जानते हैं, और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता जी। कुताये तत, भाई ये बात कहां से आ गई कि वैयाकरण ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते उसको, कहते हैं उसका उत्तर दिया मंत्र के चौथे भाग में, आइएगा क्या कहते हैं, कहा भद्रैषां लक्ष्मीरनिहिताधिवाची, कहते हैं एषां, एषां माने इन महान वैयाकरणों के, पक्के वैयाकरणों के, वाची माने वाणी में, क्या है, भद्रा लक्ष्मी निहिता अधि, माने कल्याण करने वाली जो स्फोट रूपी लक्ष्मी है वो इनकी ही वाणी में निहिता माने स्थित होती है, दूसरों की वाणी में स्थित नहीं होती है, इसलिए पक्के वैयाकरण ही स्फोट रूपी ब्रह्म को जानते हैं। चलिएगा, क्या कहते हैं, भद्रैषां लक्ष्मीरनिहिताधिवाची, अर्थात एषां माने वैयाकरणानां, वैयाकरणों की वाची माने वाणी में, भद्रा लक्ष्मी निहिता भवती माने कल्याण करने वाली जो स्फुट रूपी शक्ति है वो निहित होती है। अच्छा कह रहे हैं, लक्ष्मी को, लक्ष्मी को कहते हैं, कहते हैं लक्ष्मीर लक्षणाद् वा भासनात् परिवृढ़ा भवती, अरे लक्ष्मी क्योंकि, कहते हैं लक्षणात्, क्योंकि उस लक्ष्मी से ही तो ये सब कुछ लक्षित होता है,
क्या लक्ष्मी का अर्थ क्या है, गहरा लिया है, लक्ष्मी ये विष्णु जी की पत्नी नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग विष्णु जी की पत्नी को ले आते हैं बीच में, लक्ष्मी जहां कहीं भी लक्ष्मी की बात आएगी चलो विष्णु जी की पत्नी, ये विष्णु जी की पत्नी नहीं है। शब्द का विशेषण बनाया गया है, शब्द शक्ति का, स्फोट रूपी शक्ति का, कि स्फोट रूपी शक्ति है जो लक्ष्मी है वो लक्षणात अर्थात उससे ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड लक्षित होता है। और कहते हैं कि भाषणात, और ये सब कुछ प्रकाशित उसी से, माने अर्थ का प्रकाश उसी से होता है, स्फोट से। ये तो पहले भी बताया था मैंने आपको, स्फोट से ही अर्थ प्रकाशित होता है, अर्थ प्रकट प्रकट होता है। यस्मात यस्मात स्फुटते अर्थः स स्फोटः, जिससे अर्थ स्फुटित होता है, प्रकाशित होता है, वही तो स्फोट है। तो कहा है वो क्या है, भाषणात माने उसी से तो भाषित होता है सब कुछ, तो भाषणात माने प्रकाशित होने के कारण से। परिवृढ़ा माने सब जगह परिव्याप्त है, कहते हैं भावती माने इसलिए लक्ष्मी जी ऐसी होती है, माने स्फोट रूपी शक्ति। सक्तुमेव दसवां प्रयोजन आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है जी। ये दसवां प्रयोजन मैंने पढ़ा दिया, ठीक समझ में आ गया। एक एक शब्द का मैंने अर्थ बता दिया, इससे सरल और क्या पढ़ाया जा सकता है आपको, थोड़ा तो आपको अपने ये लगानी पड़ेगी जी, ठीक है लगाइएगा, हो जाएगा, नहीं पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। तो इसलिए भी हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उस लक्ष्मी को जान लें, ठीक है। अर्थात एक उपमा दी इसके अंदर, मंत्र के अंदर, कि भाई देखो लोक में भी जो सत्तु है उसको छलनी से छान करके ही साफ किया जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है। वैसे ही पक्के वैयाकरण होते हैं, वो अपनी वाणी को पवित्र कब कैसे करते हैं, अपशब्दों को और शब्दों को जान करके, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, शब्दों का करते हैं, तो उनको फिर क्या है, वो शब्द अपना रूप जो फोट है वो अपना रूप प्रकट कर देता है, ठीक है। इसलिए हमें इस कारण से भी क्या करना चाहिए, व्याकरण को पढ़ना चाहिए, ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका एक प्रयोजन मैंने समझा दिया, अब आगे की कक्षा में आपको मैं ये प्रयोजन आगे छोटे छोटे प्रयोजन हैं ये आगे की कक्षा में बता दूंगा, ठीक है। आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा प्रयोजन है, चलिएगा। निरंतर पढ़ते रहिए मित्रों, और ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए कक्षा है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।